नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन यानी रत्नों का रहस्यमय संसार। मैं रमन एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सैटर्न शनि के ऊपर। मेरे कुछ एपिसोड पहले आए हुए हैं सैटर्न के ऊपर, बहुत ही लोगों ने उन्हें सराहा है। अब बात हो रही है सैटर्न यानी शनि। सबसे पहले मैं बता दूं कलयुग में सबसे प्रभावी प्लेनेट जो है वो सैटर्न है, शनि है। डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपके कर्म निर्धारित करते हैं शनिदेव, कर्मों के ऊपर आपको फल देते हैं। जैसे राहु केतु आपके पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, पिछले जन्म कहां थे, कैसे हुए, कौन सी आपने अच्छे कर्म करे, कौन से बुरे कर्म करे, तो ये दोस्तों सब चीजें आपके कर्मों के ऊपर है। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि एक और बड़ी अच्छी, मैं इसे अच्छी ही बोलूंगा, धारणा है कि जो होना है वो तो होके रहेगा, फिर रतन और उपाय क्या करेंगे। ये वो लोग हैं जो फेलियर हैं, जो जिंदगी में कुछ नहीं करते, ये सिर्फ अपने, इनके पास पैसे पड़े हुए हैं उनको खत्म करने में लगे हुए हैं। जैसे बोला जाता ना कि मैं इतना कमाऊंगा सात पीढ़ियां खाएंगी, जो ये सात पीढ़ियों वाले बंदे हैं। जा दूसरी कैटेगरी में बोला जाए कि ये वो बंदे हैं जो जिंदगी में कभी, इन्होंने कभी काम ही नहीं करा, नहाने में सबसे ज्यादा आलसी, कपड़े पहनने में सबसे ज्यादा आलसी, जाने में कहीं सबसे ज्यादा आलसी, तो ये वो बंदे हैं। हम तो डूबे हैं सनम साथ में तेरे को भी लेके, तू भी मर। तो मैं हमेशा बोलता हूं इन लोगों से दूरी बना के रखिए, इनका कोई अता पता नहीं है ये कब कहां कैसे क्या बोल दे। लेकिन मैं फिर से इनको भी बोलूंगा कि जो होना है होके रहेगा, प्लैनेट्स नहीं होते हैं, ये नहीं होता है, तो नासा पागल है। नासा तो आज अभी मंगल को देख रहा है कि मंगल है, हमारे ऋषि मुनियों ने तो ज्योतिष में हजारों करोड़ों साल पहले लिख दिया कि मंगल है, वो तो आज शनि को बता रहा है ये शनि है, इसके छल्ले हैं, तो वहां पे तो पहले हो चुका है काम हमारे ऋषि मुनि, वो भी एक साइंटिस्ट थे। जब दूसरी भाषा में बोला जाए, ये बोलते हैं कुछ नहीं होता है, ये सब चीजें होती नहीं है, तो इनको पूछा जाए कि ये अमेरिका गए हैं, तो बोलेंगे नहीं गए, तो इसका मतलब अमेरिका नहीं है, वहां पे व्हाइट हाउस नहीं है, वहां पे जो प्रधानमंत्री उनके राष्ट्रपति कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तो गए ही नहीं कभी। मानते ये अमेरिका को भी अमेरिका है, वर्ल्ड का सबसे ताकतवर देश है, तो फिर कैसे, दिमाग इनका सही है, वाणी गलत है, भाषा गलत है, पता है इनको सब है। एक और कैटेगरी थर्ड, ये वो लोग हैं जो लोगों को तो बोलते हैं नहीं जी हम तो विश्वास नहीं करते, लेकिन ये हमें फोन कर करके बड़ा बोलते हैं कि जब आएंगे तो ऑफिस में कोई नहीं होना चाहिए, आप प्लीज हमें टाइम दीजिए। तो फिर वो क्या है, तो वो भी तो ये कर ही रहे हैं उपाय, मान रहे। तो दोस्तों बात हो रही है शनि की, बात हो रही है सैटर्न की, बात हो रही है सबसे प्रभावी प्लेनेट की। ढैया साढ़े साती महादशाएं, अंतर दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, योगनियों में उल्का, योगनियां भी एक होती हैं जिनको अभी तक पता ही नहीं है। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को तो योगनियों के बारे में अता पता ही नहीं है, बोलते हैं होती होंगी जी, हमें क्या लेना देना, ये मैनुअल एस्ट्रोलॉजी है, दिस इज नॉट फॉर, ये कोई कंप्यूटर वाली एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहे हम। तो दोस्तों ये सारी चीजें होती हैं, जब ढैया होता है, साढ़े साती होती है, महादशाएं चलती हैं शनि की, अंतर दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म और योगनिया। तो शनि निर्धारित करते हैं व्हाट इज द राइट फॉर यू और नॉट। वो समय होता है जिसमें आपको शनि, आप अगर आपने बुरे कर्म करे हुए हैं तो शनि आपको उस कर्मों के निर्धारित होकर आपको फल देते हैं। तो जाहिर सी बोला जाता है कि अगर हमने बुरे कर्म करे हैं या हमने ऐसी चीजें करी हैं तो शनि के प्रकोप से सिर्फ कौन बचाएगा, शनि देव। तो मैं फिर से बता दूं, लोग अगर शनि देव के मंदिर जा रहे हैं, पूजा अर्चना मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, रतन नीलम पहन रहे हैं, तो इसलिए पहन रहे हैं कि हमसे गलती हो चुकी है,
हम क्षमा चाहते हैं, हमें आप माफ करिए। वो प्रेयर करते हैं शनि देव के सामने। तो दोस्तों ये मैं फिर से बता दूं कि अगर आप अपनी गलती को रियलाइज कर चुके हैं, आपको पता चल चुका है, जाने अनजाने कहीं आपसे गलती हो चुकी है, तो उसके बचने के लिए उपाय रतन बने हुए हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप उपाय और रत्नों का सहारा लीजिए। अब बात हो रही है शनि की, तो शनि की महादशा बहुत लंबी 19 वर्ष की महादशा है। शनि देव ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ भी बुरा हो जाए। अब एक महादशा अगर 19 वर्ष की है तो 19 वर्ष आप देखिएगा जिंदगी का एक पड़ाव, एक चरण, एक हिस्सा तो निकल गया। अगर आपको जन्म के समय शनि की महादशा लग चुकी है तो 20 साल 19 साल तो आपके निकल गए, आप तो जवानी में आ गए। आप जवानी में लगी है तो बुढ़ापे में एंटर कर चुके हैं, बुढ़ापे में लगी है तो फिर उसके बाद तो शनि देव कुछ भी नहीं बचता बॉडी के अंदर। शनि बॉडी को कंकाल बना देते हैं, हड्डियों का ढांचा बंदा बन जाता है। आप देखिएगा जिसका शनि देव अच्छे नहीं होंगे, स्थिति अच्छी नहीं होगी डिग्रीकली, तो वो हड्डियों का ढांचा बन जाता है एकदम से। उसके चेहरे की रौनक ही उठ जाती है, कोई फेस पे नूर नहीं होता है। लोग ये बोलते हैं कि पता नहीं इसने अपने आप को जिम में जाके स्लिम क्लिम कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। महादशाएं बहुत ही प्रभावी हैं, अंतरदशाएं बहुत ही प्रभावी हैं। मैं कहीं पे भी आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं कहीं पे भी ये नहीं बोल रहा कि वहम में आइए, लेकिन पत्थर, उपाय, अर्चना और पूजा, मंत्र ये आप जरूर पढ़िए। तो दोस्तों बहुत ही छोटी सी इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसके फायदे बहुत ही बड़े, बहुत ही अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करिए। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक 94.3 माय एफएम। अब आप हमें और ढेरों अन्य चैनल्स के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर देख पाएंगे बहुत जल्द। दोस्तों अगर आप मेरे से टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, भाग्य रतन, जीवन रतन, साढ़े साथी, महादशाएं, इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो ये जो नीचे स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है इसके ऊपर आप कॉल करिए और अपना टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट फिक्स करिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस।